हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास में मित्रों हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति मित्रों, वो लगभग हमारा पूरा हो चुका था। 1857 की क्रांति में मित्रों हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की और इस टॉपिक को पूरे विस्तार सहित हमने पढ़ा। मित्रों आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के महान नेता, महान बलिदानी अमरचंद बाठिया के बारे में। मित्रों अमरचंद बाठिया के बारे में मैं आपको पूर्ण विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में। शुरू से लेकर आखिर तक आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों जानते हैं अमरचंद बाठिया के बारे में। मित्रों अमरचंद बाठिया जो थे वो मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। इनका जन्म 1791 में बीकानेर में हुआ। मित्रों ये काम या व्यापार के सिलसिले में अपने पिता के साथ ग्वालियर चले गए। मित्रों ये व्यापार इतने अच्छे व्यापारी थे कि ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार था, सिंधिया परिवार ने इनको अमरचंद बाठिया को अपना जो राजकोष होता है उसको संभालने की पूरी जिम्मेदारी दी और राजकोष के जो कोषाध्यक्ष है उसका पद इन्होंने अमरचंद बाठिया को दिया। सिंधिया परिवार अमरचंद बाठिया पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और सिंधिया परिवार की राजकोष के जो कोषाध्यक्ष थे वो कौन थे? अमरचंद बाठिया थे। मित्रों अमरचंद बाठिया को नगर सेठ की उपाधि भी प्राप्त थी। मित्रों नगर सेठ किसे कहा जाता था? नगर सेठ वो होता था जो छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको व्यापार के लिए जो धन उधार देता था, व्यापार करने के लिए जो धन देता था उसको नगर सेठ कहा जाता था। तो अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में नगर सेठ की उपाधि भी दी गई थी। इसके साथ साथ मित्रों ये अमरचंद बाठिया जो थे वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार के प्रमुख विश्वासपात्र थे। इसी कारण मित्रों इन्होंने 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति में मित्रों इन्होंने क्रांतिकारियों का आर्थिक सहयोग किया। तो इसका कारण ये था कि मित्रों सिंधिया परिवार का जो संपूर्ण जो राजकोष था उसके ये प्रभारी थे। मित्रों अमरचंद बाठिया वैसे तो जो ग्वालियर के जो सिंधिया परिवार है मित्रों इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया। सिंधियाओं ने मित्रों अगर अंग्रेज़ों का साथ न दिया होता तो इस क्रांति में अंग्रेज़ों को भारत से अपना बिस्तरा गोल करके भागना पड़ता। मित्रों इस बात को अंग्रेज़ों ने स्वयं स्पष्ट किया कि ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार था उसने पूरी तरह से अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन अमरचंद बाठिया जो थे उनमें कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी। लेकिन इस देशभक्ति की भावना को उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा था और राजकोष की सुरक्षा करते हुए संपूर्ण वफादारी का परिचय दिया था। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान जब उनको मौका मिला कि वो अपने देश के लिए कुछ कर जाए, इसका इन्होंने मौका मिला, तब ये देशभक्ति की जो भावना इनके अंदर दबी पड़ी थी वो मित्रों बाहर आ गई और इन्हें इस मौके का संपूर्ण फ़ायदा उठाने की बात सोची। मित्रों ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार अपना राजकोष संपूर्ण इनको अमरचंद बाठिया को सौंप कर और क्रांतिकारियों के डर से राजमहलों को छोड़कर ग्वालियर छोड़कर चला गया, तो अमरचंद बाठिया ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और राजकोष के साथ साथ अपनी जो निजी संपत्ति थी वो भी उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे को आर्थिक सहायता देने में यूज की। मित्रों राजकोष की सुरक्षा का भार यद्यपि अमरचंद बाठिया पर था, लेकिन अपनी स्वामी भक्ति या वफादारी के साथ साथ इन्होंने प्रथम स्थान जो था वो देशभक्ति को दिया। तो देश की रक्षा के लिए इन्होंने राजकोष और अपनी निजी संपत्ति का धन देकर लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे की आर्थिक सहायता की। इसी सहायता के कारण मित्रों अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। मित्रों इस बात का, आर्थिक सहायता का, जब अंग्रेज़ों को पता चला
मित्रों इनडायरेक्टली इस बात का डायरेक्ट जो पता चलता है वो सिंधिया परिवार को चलता है कि अमरचंद बाठिया के संरक्षण में जो राजकोष उनके द्वारा रखा गया था वो अमरचंद बाठिया ने क्रांतिकारियों के सहयोग में लगा दिया। तो सिंधियाओं से ये बात अंग्रेजों तक गई और अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार कर लिया 22 जून 1857। मित्रों यही वो तारीख है जिस दिन इस अमर बलिदानी अमरचंद बाठिया को ग्वालियर के सराफा बाजार में मित्रों एक पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसने अपने देश की रक्षा के लिए देश की भूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता की, तो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। मित्रों राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो इन्हीं अमरचंद बाठिया को कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर या शहीद होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसी कारण भारत में भी शहीद होने वाले पहले व्यक्ति 1857 की क्रांति के दौरान जिस तरह मंगल पांडे थे उसी तरह ये अमरचंद बाठिया भी अपनी देश के लिए शहीद होने वाले राजस्थान के लिए शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसी का नीति राजस्थान का मंगल पांडे कहा गया। मित्रों राजस्थान का प्रथम शहीद भी अमरचंद बाठिया को ही कहा जाता है। इसी कारण मित्रों आज भी ग्वालियर में उस पेड़ के नीचे इनकी जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है, इनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है। धन्यवाद मित्रों, अमरचंद बाठिया के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।